हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी जुड़े हुए हैं। शहजाद जी, ये तस्वीरें फिलहाल, आज मैं सिर्फ तस्वीरों पर ही आपसे बात करूंगी, ये तस्वीरें फिलहाल क्या संदेश दे रही हैं? ये तस्वीर दुनिया भर को भारत के बारे में क्या बता रही हैं? देखिए, ये जो अद्भुत, प्रचंड और मुझे लगता है विहंगम तस्वीरें हैं, दरअसल ये गवाही दे रही है भारत की सांस्कृतिक सौम्य शक्ति के प्रभाव का। अभी जो देवेंद्र जी बता रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, प्राची जी, इस प्रकार से देखिए, दुनिया के इतिहास में अगर महाशक्तियों का अध्ययन किया जाए तो कई शक्तियां आर्थिक रही है, कई शक्तियां सैन्य शक्ति रही है, कई शक्तियां ताकतवर रही है कूटनीतिक दृष्टि से। जैसे आप अमेरिका की बात करो तो आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव रहा है, परंतु कूटनीतिक तौर पर देश बांटे गए। अगर आप चीन की बात करो तो आर्थिक शक्ति रही है, परंतु सांस्कृतिक प्रभाव ऐसा नहीं रहा है। पर भारत के आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में आज आपको चार गवाही इस दृश्य से दिखाई देती है। पहले, भारत की आर्थिक महाशक्ति होने का प्रभाव, जिस प्रकार से आज 10वें स्थान से 5वें स्थान पर IMF कहती है सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। फिर उसके बाद भारत की कूटनीतिक स्वीकारिता का आपको एक परिचय, जहां पर अमेरिका भी रेड कार्पेट लगाकर स्टेट विजिट देता है और रशियन कैंप में भी हम लोग स्वीकारे जाते हैं। यूक्रेन रशिया के पूरे क्राइसिस के दौरान हम किस प्रकार से दोनों ही कैंप को साध सके। और आज हमारी सांस्कृतिक स्वीकारिता का सबसे बड़ा प्रमाण आपके सामने है, जहां पर 180 देशों के प्रतिनिधि भारत के प्रतिनिधि के सामने एक सिंबॉलिक तरीके से, एक प्रतीकात्मक तरीके से आसन डाल रहे हैं, आसन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे एक सूत्र में हमारे महर्षियों ने देश को भारत के संदेश अर्थात योग के साथ पिरोने का काम हजारों वर्ष पहले किया था, आज उसी देखा देखी भारत ने योग के भारत संदेश के साथ 180 से ज्यादा देशों को पिरोने का काम, और इसको घर घर से, आध्यात्मिक केंद्रों से लाकर विश्व के हर एक कोने तक लाने का काम, मतलब कि उसको विश्व का पर्व बनाने का काम, एक वैश्विक अभियान बनाने का काम, व्यायाम से वैश्विक अभियान तक जिस प्रकार से योग को करने का काम आज किया गया है, ये हमारे आजादी के अमृत काल में हमारे बढ़ते सांस्कृतिक, आर्थिक, कूटनीतिक प्रभाव का सबसे विहंगम परिचय और दृश्य मुझे नजर आता है। शहजाद जी, एक तरफ आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योग को दुनिया को जोड़ने वाला एक जरिया बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज की इन तस्वीरों पर भी विपक्ष सीधे सीधे तौर पर इवेंट मैनेजमेंट का ही आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि योग हमारी संस्कृति है, खासकर मैं अगर कांग्रेस की बात करूं, लेकिन ये योग सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से है, ये बात वो मानने को तैयार नहीं है। कौन कह रहा है? ये जो हमारी योग की विरासत है, इसको पतंजलि से लेकर आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद से लेकर आज के मौजूदा समय पर देखें तो इंडिया टीवी में जो सवेरे हमें दर्शन देते हैं, बाबा रामदेव से लेकर श्री श्री तक और सारे तमाम ऋषि मुनि इस देश के, उनका योगदान है। उन्हीं का वो एक प्रकार से, मुझे लगता है कि उनकी कर्म योग की वजह से आज योग इस जगह पर स्थापित हुआ है। हाँ, पर ये बात भी हकीकत है कि 2014 के बाद भारत ने एक राज्य के रूप में यूनाइटेड नेशंस के मंच पर योग की वकालत लगातार की। वहां पर प्रधानमंत्री ने अपना संदेश दिया, वहां पर भारत की पैरवी पर 177 देश साथ में आए और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इतिहास में एकमात्र ऐसा रेजोल्यूशन जो इतने बड़े को स्पॉन्सर्स के साथ एक प्रकार से अडॉप्ट किया गया, वो योग का ही था। तो आज इसको भी स्वीकारना पड़ेगा। परंतु प्राची जी, मैं आपसे एक वाक्य केवल कहूं, योगश्चित्र वित्रि निरोध, मतलब कि जो योग को माना जाता है कि जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाए, रुक जाए, तब उसको योग कहा जाता है। अब उसका क्या करे जो भोग की राजनीति में इतना संजोग और प्रयोग करने का आदि बन चुका है कि कभी परिवारवाद के सामने शीर्षासन, कभी गुलाम आसन और कभी अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार आसन से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो इसीलिए आज जब पूरी दुनिया योगासन कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं उसको आज भी आपत्ति नजर आ रही है। मैं तो कहता हूं, आज इतना अच्छा दृश्य होता यदि कांग्रेस के लोग भी जुड़ते और कांग्रेस के लोग भी, जो कहते नेहरू जी ने इसको बढ़ावा दिया, वो खुद भी लग जाते योग करने में, वो खुद भी संदेश देते कि हमारे देश में बांटने वाली कई चीजें पर योग हमें जोड़ता है, किसने रोका है? पर आज कांग्रेसियों ने एक गलती से भी
योग करते हुए कोई तस्वीर या योग के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कोई तस्वीर डालने का काम नहीं किया, ना वो इसमें विश्वास रखते हैं, जिन्होंने भारत के सेंगोल को, भारत के योग को, भारत के दंडवत प्रणाम को, इन सांस्कृतिक चिन्हों को राजनीति के ऊपर नहीं रखा, उनसे क्या ही अपेक्षा की जाए। प्राची जी, आज के दिन देखिए, योग की तस्वीरें उन्होंने साझा की हो या ना की हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा आसन जरूर कांग्रेस बता रही है, मौनासन, जुमला आसन, कैमरासन, प्रचारासन, अनुसनासन, मोरासन, इन तमाम आसनों का जिक्र कांग्रेस के आज ट्विटर हैंडल से किया जा रहा है पीएम का नाम लेकर। देखिए, जो पगलासन करने में माहिर हैं, जो परिवार आसन और सिंहासन के लिए इतने ओतप्रोत हुए जा रहे हैं कि योग को इतनी बड़ी ख्याति वो योग बतोर रही है, हमारे देश की संस्कृति का इतना बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आज जो लोग केवल नकारात्मक आसन में लगे हुए हैं वो अपने अपने मन के अंदर के चीजों का परिचय दे रहे हैं। परंतु देखिए, आज यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है, योग उद्योग, सुबह आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एलोन मस्क ने बात रखी, और लोग, भारत के लोगों का संदेश कांग्रेस में प्रधानमंत्री दूसरी बार देने जा रहे हैं। योग उद्योग लोग का एक समागम हो रहा है और 23 तारीख को भ्रष्टाचार के रोग का समागम होने वाला है, तो मुझे लगता है कि अपने अपने भीतर जो होगा वही बाहर उसका परिचय देते हैं लोग, तो मुझे लगता है कि ये नकारात्मकता उन्हीं की एक मानसिकता का और उनके दिवालियेपन का एक परिचय है। मुझे लगता है आज के मौके पर कम से कम नकारात्मक बातें छोड़कर यदि वो सकारात्मक बात करते तो ऐसा लगता कि योग किए हुए योग का असर उन पर भी आ रहा है। एक तरफ हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, जो तस्वीरें शहजाद जी आपको, मुझको, मुझे लगता है हर एक भारतीय को गौरवान्वित करने के लिए काफी हैं, जहां पर हमारी संस्कृति विदेशी धरती पर भी अपनी एक छाप छोड़ रही है, एक चटक छाप छोड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ इस योग को लेकर क्रेडिट लेने की पॉलिटिक्स अपने देश में देखने को मिल रही है। आप जिक्र अपनी सरकार का करते हैं, कांग्रेस कहती है कि इसकी शुरुआत तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से हो गई थी, बाकायदा शीर्षासन करते हुए एक फोटो आज ट्वीट किया जाता है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, मैं तो कहता हूं कि उससे पहले से शुरू हुई है, योग को आगे बढ़ावा देने का काम तो आदि शंकराचार्य के जमाने से हो रहा है, ये काम तो स्वामी विवेकानंद जी की तरफ से हो रहा है, परंतु जो परिवारवाद के मोतियाबिंद से ग्रसित है उनको केवल एक व्यक्ति विशेष का ही शीर्षासन दिखता है। परंतु मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यदि आप इस बात को मानते भी है तो आज की तिथि में, आज की तारीख में, जब योग को इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला है, तो इसमें आपका क्या योगदान है, जरा बताइए ना। केवल नकारात्मक बातें करने के अलावा और भारत की छवि और भारत की सांस्कृतिक चिन्हों पर सवाल उठाने के अलावा क्या कांग्रेस ने कोई भी सकारात्मक कदम उठाया है? मैं आपको उदाहरण देता हूं, ऐसी कई मौके आए जिसमें कि सरकार हमारी नहीं थी, परंतु ये भारत के गौरव के क्षण को हमने विपक्ष के रूप में स्वीकारा है। परंतु आज जब भारत की उपलब्धि को स्वीकारना होता है तो कांग्रेस पार्टी उसको परिवारवाद के चश्मे से देखकर मेरा श्रेय और तेरा श्रेय, अरे योग में किसका श्रेय, ये तो 140 करोड़ लोगों का श्रेय, ये 5000 वर्षों की संस्कृति का श्रेय है, तो इसमें श्रेय किसको मिलना है और किसको लेना है? आप आज ये परिचय देते कि हाँ, मेरे देश के योग ने 180 देश के लोगों को एक साथ बांधने का काम किया है, पर उसमें भी श्रेय नहीं लेते। आज ये हकीकत है कि जो 2 कोविड की वैक्सीन हमारे देश ने बनाई, उसने 100 से अधिक देशों में वैक्सीन मैत्री के जरिए उन गरीब लोगों को वैक्सीन पहुंचाने का काम किया, वसुदेव कुटुंबकम के फिलॉसफी फलसफे पर काम हुआ। आज हम G20 की अध्यक्षता में हैं तो वन अर्थ वन फ्यूचर वन लाइफ की बात करते हैं और बांधने की बात करते हैं, लोगों को एक साथ जोड़ने की बात करते हैं, और इसीलिए आज भारत एक महाशक्ति नहीं, नैतिक शक्ति के रूप में उभर रही है। तो इसको स्वीकारने के बदले कुछ लोग इस बात में लगे हुए हैं कि मोदी से घृणा करते करते इस इंडिया स्टोरी के प्रति घृणा कैसे प्रकट की जाए, मुझे लगता है ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।